हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सच है, धर्म परिवर्तन एक तरह का स्टंट ही हो सकता है, इससे बदलता कुछ भी नहीं है। लेकिन कश्मीर में एक ऐसा बदलाव आ रहा है जिसके बारे में जानकर हर भारतीय को बहुत गर्व होगा, खुशी होगी। कश्मीर में एक बार फिर लाइव एनकाउंटर में दो आतंकियों ने सरेंडर किया है। ये जान बचाकर आतंक को मारने की रणनीति का हिस्सा है, जिसमें आतंकवादियों का परिवार और खासकर मां बहुत अहम रोल निभा रही है। ऐसे ही परिवार से आज सेना के बड़े अफसरों ने मुलाकात की और दूसरे परिवारों से भी ऐसा करने की अपील की है। ये कश्मीर के बदलने की तस्वीर है, जहां माताओं ने अपने बच्चों को आतंक की महामारी से बचाने के लिए ममता का मास्क पहनाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में जिस नौजवान को शाबाशी दी जा रही है, वो एक आतंकवादी था जो अपनों की पुकार सुन आतंक की गलियां छोड़ आया। ये आबिद मुश्ताक है और ये महराजुद्दीन। दोनों ही आतंकवादियों ने सोपोर में एक एनकाउंटर के दौरान सरेंडर करके दूसरे भटके नौजवानों के लिए मिसाल पेश की है। आबिद मुश्ताक और महराजुद्दीन सोपोर के रहने वाले हैं। दोनों ने पिछले महीने की 23 तारीख को सोशल मीडिया पर हैंड ग्रेनेड लेते हुए फोटो डालकर अल बद्र मुजाहिदीन में शामिल होने का ऐलान किया था। सुरक्षा बलों ने मुश्ताक और महराजुद्दीन के परिवार को इन्हें सुरक्षित लाने का भरोसा दिया था, जिसे उन्होंने बखूबी पूरा किया। सोपोर के गांव में जैसे ही सेना को इन दोनों आतंकवादियों के एक घर में छुपे होने की जानकारी मिली, इनके परिवार को बुलाया गया और दो नौजवानों की जान बचाने में कामयाबी पाई। जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिला, यहां पे वडूरा के दोनों बंदे महराजुद्दीन और आबिद यहां अंदर एक घर के अंदर फंसे हुए हैं। उसके बाद हमने इन दोनों के पेरेंट्स को, इनकी माओं को बुलाया और बुला के हमने सरेंडर की अपील की। ये बहुत खुशी की बात है कि ये दो जो भटके हुए नौजवान हैं, इन लोगों ने अपने पेरेंट्स की बात सुनी और सुनने के बाद हमारी अपील पे इन लोगों ने सरेंडर किया और करने के बाद दो जान बच गई। हमारी पूरी की पूरी तवज्जो और पूरी की पूरी कार्रवाई इसी बात पे है कि हम जितने भी भटके हुए नौजवान हैं, इन सब नौजवानों को हम वापस लेकर आए। लाइव एनकाउंटर के दौरान आतंकवादियों का ये तीसरा सरेंडर है। इससे पहले पुलवामा बडगाम दो नौजवानों ने आतंक से तौबा की थी। सुरक्षा बलों की ये कोशिश परवान चढ़ती दिख रही है। इस साल अब तक 29 आतंकवादी सरेंडर कर चुके हैं। ये इसी महीने की 16 तारीख की तस्वीर है, जिसमें एक लाइव एनकाउंटर के दौरान एक आतंकवादी ने सरेंडर किया था। कमांडर का फोन आ रहा है। कोई और तो नहीं है, वेपन है, वही है। कोई नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ शाबाश, शाबाश, आ जाओ, हो गई, ठीक है, तुम चिंता मत। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ, सारे दूर हो, दूर हो। जहांगीर भट्ट नाम के इस आतंकवादी को इसके बाद उसके परिवार से मिलवाया गया, जहां इसके चाचा ने अपने भतीजे को गले लगाया और इसे बचाने वाले अफसर के पैर छुए। जनाब, अपने लड़के को बताना बहुत नेक का काम किया है अभी, ठीक है ना। पहले की सारी गलती इसके साथ हमने रिक्वेस्ट किया है, इसकी माफ करें, ठीक है, लेकिन इसको आगे नहीं निकलने देना। सब निकलेगा फिर मेरी लाश होगी, पहले नहीं, कोई लाश निकलेगी, कोई घर से निकली पहले मेरी लाश, मैं तो चाचा इसका। हम भी यहाँ लाश उठा के खुद नहीं होते, कोई नहीं, साथ भी नहीं। पहले पाकिस्तान के इशारे पर अलगाववादी घाटी में 27 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाते थे, क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 की रात जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर के भारत में विलय का फैसला किया था। लेकिन बदले कश्मीर में अब पाकिस्तानी हमले की याद में
ब्लैक डे मनाया जा रहा है और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद घाटी के नौजवान आतंक को छोड़कर अमन का रास्ता चुन रहे हैं।